फकीरा का सैल्यूट सभी व्यूअर्स सभी सब्सक्राइबर्स को और जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मोस्टली डीएम जो होता है उसके अंदर काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मेरा ये जो छोटी सी घर है जिसको मैं कुटिया बोलता हूँ, फकीरा की कुटिया, इसको मैं इसका एक टूर करा दूँ, इसको आप पूरी तरीके से आप लोगों को दिखा दूँ और किस तरीके से मेरी जो छोटी सी मतलब जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैनेज करता हूँ बरसोवा के अंदर, बरसोवा मुंबई में रहता हूँ दोस्तों मैं, तो बस आज मेरा मन हुआ कि मैं दिखा देता हूँ आपको जो भी जिस भी तरीके से मैं रहता हूँ और जो भी इस घर के अंदर जो सेटअप है, जिस भी तरीके का मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, तो वो क्यों, किस वजह से क्या क्या चीजें यहाँ लगी हुई हैं वो भी आप एक बार देखिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मेरी कुटिया यानी फकीरा की कुटिया। अगर इसके इस कॉर्नर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो मेरे कुछ बॉटल्स हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास ब्रांड्स कौन से हैं या मैं कौन से रखता हूं। ये मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने गिफ्ट किया था और ये मेरा मतलब वॉच, दूर से देखेंगे तो नॉर्मल सी नजर आती है लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से कुमार अपने जो भी चीजें बनाता है, मटका बनाता है या कुछ भी बनाता है, तो जिस तरीके से उसको आकृति देता है तो उस तरीके से इसको शेड दिया हुआ है। और इसका मेरा जो फील है वो ये है कि जिस तरीके से हम हमारी मेहनत करते हैं जिंदगी में, उस तरीके से हमारा आने वाला जो टाइम है वो अच्छे से अच्छा हो जाता है। तो ये इस घड़ी को मेरा लगाने का पीछे जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है। ट्राइपॉड्स, बाइसिकल, लाइट, मैं मोस्टली येलो लाइट यूज करता हूं, मैं व्हाइट लाइट यूज नहीं करता हूं। और ये मेरा वॉल जो मुझे बहुत पसंद है। अब क्यों मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, क्या रीजन है, वो सब अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूं। ये मेरा ल्यूमिक्स कैमरा है G7 और ये वो चेयर जिसपे मोस्टली मैं बैठ के एडिटिंग करता हूं। तो दोस्तों ये है मेरा मतलब मोस्टली एडिटिंग करने का तरीका। ये जो एक बेंच मैं यहाँ लगा के रखता हूँ और इसके ऊपर मेरा लैपटॉप रहता है और सामने टीवी चलता रहता है, वो सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं भी ऐसा फील ना करूँ कि मैं मतलब लाइक कुछ मूविंग चीजें चलती रहें और हैपनिंग सब कुछ ना कुछ दिखता रहे या होता रहे थॉट्स प्रोसेस के लिए। और बस ये मेरा एडिटिंग सेटअप है, मैं यहीं पर बैठ के अपनी एडिटिंग करता हूँ। और स्पीकर्स के लिए जो है वो मैं बॉस के हेडफोन यूज करता हूँ, वो भी मैं आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ। और अभी जो मैं व्लॉग एडिट कर रहा हूँ वो फुटेज ऑलरेडी अभी जो आपको दिखाई हुई है मैंने थोड़ी देर पहले, वो सब उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो अभी मैं वही एडिट कर रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं ये चीज उसके अंदर भी एड अप होने वाली है। ये मेरी एक ऐसी कार जो सिर्फ दीवार पे रहती है, चलती नहीं है। ये जो आपको एक ऐसी कार दिख रही है जो बिल्कुल भी चलती नहीं है और इसके नीचे छोटा सा वो लिखा हुआ है ऑलवेज किस मी अंडर द स्टार्स, तो वो क्यों लिखा हुआ है। और ये जो मेरी चेयर है जहां पे मोस्टली बैठ के मैं अपनी एडिटिंग करता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बनाया हुआ उसके रीजन मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि ये जैसे हम लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाते हैं, मुझे बहुत खुली जगहों पे जाना, पहाड़ों में जाना, वादियों में जाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसकी उसको सिम्बॉलिक करने के लिए मैंने कार लगाई हुई है और उस कार पे मैं खुद बैठा हुआ हूँ। इसलिए बैठा हुआ हूँ, उसका रीजन ये है कि इमेजिनेशन है कि मैं वहां बैठा हूँ, उसके पीछे ये रीजन है कि मुझे जब भी मैं बैठता हूँ तो ऐसी जगह पे बैठना पसंद है जहां से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए। और जो मेरा नाम है फकीरा उससे रिलेटेड लाइक फकीर चलता भला जैसे मेरे मास्टर ने बोला है, तो फकीर अगर मैं बैठा हुआ अभी तो भी मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं दुनिया को एक्सप्लोर करता रहे, चीजों को एक्सप्लोर करता रहे, समझता रहे और वो सारी चीजें फिर मैं अपने ब्लॉग्स में डालूं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं। इसलिए जो आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। और कुछ एक बहुत जरूरी जरूरी छोटी मोटी चीजें, अभी इस वॉल पे ये जो विलन्स है हमारे बॉलीवुड के ये क्यों लगे हुए हैं ये समझना बहुत जरूरी है और मैंने क्यों उनको लगाया हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां मतलब कुछ भी आप अच्छे से अच्छा करो, लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करो, लेकिन जिंदगी में विलन्स आते जरूर है,
अदरवाइज जो हमारी जिंदगी की फिल्म है वो पूरी नहीं होती। तो कैसी भी सिचुएशन आए आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये जो किरदार हैं जिन लोगों ने इनको निभाया है ये बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट करके अपने वॉल पे लगाया है। और ये मेरा विंडो, मुंबई में काफी दिनों से रोशनी एक्चुअली हो नहीं पा रही है क्योंकि बारिश का ही माहौल यहाँ पे ज्यादा रहता है। पूरा गणपति जो है हमारा अभी ऐसे बारिश बारिश में निकला है इस बार। और ये मेरा फ्रंट बॉल बोल सकते हैं, ये भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ही गिफ्ट किया है। और ये मेरा निकॉन का कैमरा, इसको मैंने रुद्राक्ष पहना के रखा हुआ है। निकॉन D800 कैमरा है। और ये इसका जूम लेंस, ये मेरी बांसुरी, ये मेरा JBL पार्टी बॉक्स स्पीकर, अब ये मेरा बाहर का जो रूम है मोस्टली मेरी जो कुटिया है वो आपने देख ली है। अब बात आती है कि मैं सोता कहाँ हूं। ये मेरा वार्डरोब है, वार्डरोब के ऊपर मेरे पैनियर्स और हेलमेट आपको दिख जाएंगे। अब वार्डरोब भी आपको दिखा देता हूं, हालांकि हम जैसे लोगों के वार्डरोब में कुछ ज्यादा कुछ चीजें होती नहीं है। बस ये मेरे कपड़े हैं रेगुलर, और ये उसका एक दूसरा वाला डोर जो मैं पहनता हूं मोस्टली। कपड़े तो आप लोगों ने मेरे शायद सारे देखे होंगे, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ये नीचे पूरा मैसअप है, लेकिन ठीक है। ये मेरा वार्डरोब है, ड्रॉर में क्या क्या है वो मैं अभी आपको कैसे दिखाऊं। ये महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा, जो जब मैं सोता हूं तो मेरे जस्ट सामने होते हैं ये। और ये एक वॉच है, नॉर्मल सा वॉच है, लेकिन इसका एक खासियत है कि ये फ्लोरोसेंट वॉच है। तो जब मैं रात को उठता हूँ या नींद खुलती है, मुझे टाइम पता करना होता है, तो मैं डिपेंड मोबाइल के ऊपर नहीं करता हूँ, मैं सामने इस वॉच में टाइम को आराम से देख लेता हूँ। इसमें ब्लू लाइट्स, ब्लू फ्लोरोसेंट में टाइम अच्छे से दिख जाता है। और ये मेरा यहाँ का रूम का JBL स्पीकर है, जिसमें मैं रात को अपना मेडिटेशन म्यूजिक या उस तरह की जो चीजें होती हैं वो मोस्टली लगाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा फकीरा की जो मेरी कुटिया है छोटी सी जहां पे मैं रहता हूं वो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। किचन मेरा बस इतना सही है, किचन मैं मोस्टली यूज नहीं करता हूं, मेरा सारा खाना जो होता है वो स्विगी से ही आता है। तो किचन मेरा बस इतना नॉर्मल सही है, किचन में ज्यादा यूज नहीं करता हूं किचन में, लेकिन सब कुछ इतना मैसअप है, सब भरा हुआ है, वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि मैं किस तरीके से रहता हूं। मुझे पता है कि जितने भी लोग ये व्लॉग देख रहे होंगे उसमें से बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोग इस जगह से ज्यादा बड़ी जगहों में रहते होंगे। सबके घर मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा, मेरे घर से जो मेरी कुटिया है छोटी सी, इससे बड़े ही होने वाले हैं। तो बट ऑब्वियस इसका नाम ही कुटिया है, छोटी सा प्लेस है मेरा जहां पे मैं रहता हूं। अपनी जो भी मेरी दुनिया है छोटी सी, जो भी मेरे सपने हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश, पूरी मेहनत मैं यहीं से करता हूं। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं। होपफुली जो भी मुझे लगेगा मैं आपको आगे से आगे जवाब जो रहेंगे, जो व्लॉग्स रहेंगे उनके तो जवाब देता रहूंगा। और रही बात मेरे गैजेट्स की, मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, या मेरे पास अभी कैमरे कौन कौन से हैं, या किस तरीके से मैं शूटिंग सेटअप अपना प्लान कर रहा हूँ, या आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर बता दूंगा। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।